हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेबीआर ऑनलाइन क्लासेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हेलो एवरीवन वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और एक एमसीक्यू पेपर जो मॉडल नंबर थ्री पेपर मैंने चूज किया है मॉडल नंबर वन और मॉडल नंबर टू दोनों पेपर ही मैंने अपलोड कर दिया है एक वीडियो में आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है इस वीडियो में हम दो पेपर सॉल्व करेंगे मॉडल नंबर पेपर थ्री एंड मॉडल नंबर पेपर फोर ओके तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज एटी थाउजेंड इन दिल्ली इफ जीएसटी रेट इज एटीन परसेंट देन एस जी एस टी आपको मालूम ही होगा जीएसटी को हम दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं एक सीजीएसटी और दूसरा एस जी एस टी इसका मतलब 18 परसेंट को अगर दोनों पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो 9 परसेंट हो जाएगा आप 80,000 थाउजेंड का अगर 9 परसेंट निकालेंगे सो so 9 बाई हंड्रेड दीन्स सेवन टू डबल जीरो ओके सो आपका आंसर हो जाएगा तो पहला वाला ऑप्शन नंबर ए ओके ऑप्शन नंबर ए सेवन टू डबल जीरो नाउ नेक्स्ट वन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं अब यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस वन इसका मतलब b का वैल्यू हो गया माइनस टू सो माइनस टू का होल स्क्वायर a का वैल्यू हो गया टू सॉरी वन a का वैल्यू वन और c का वैल्यू वन दैट मीनस फोर माइनस फोर दैट वन इक्वल टू जीरो सो अगेन ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर टू ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट नंबर थ्री व वैल्यू ऑफ एम सच सो दैट एक्स प्लस सिक्स अगर एक्स प्लस सिक्स इज द फैक्टर सो एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो सो एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एम इसका मतलब अगर एक्स प्लस सिक्स इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है सो रिमाइंडर इक्वल टू जीरो होगा सो जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पर हम माइनस

फिर हम सब करेंगे 24, फोर दैट मीन्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस एम सो एम इक्वल टू ट्वेल्व दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए आपका ऑप्शन होगा डी ओके okay? यहां पर हम ऑप्शन नंबर डी लिख देते हैं ओके डन थोड़ा इेस कर लेते हैं चलिए नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है एक ही एलिमेंट आपके पास है इसका मतलब एक ही रो एक ही कलम सो वन क्रॉस वन सो ऑप्शन नंबर फोर के लिए ऑप्शन बी नाउ नेक्स्ट वन नंबर टर्म नाइवी टू सिक्स एट सिक्सटी फोर इज जीरो सो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैंने यहां पर मान लिया है जीरो टर्म है सो so जीरो हो गया पहला टर्म सेवनटी टू ओके n minus 1 a common difference 68 minus 72 that means minus 4 so minus 72 equal to n minus 1 then minus 4 so minus minus cancel out 4 se hum 72 ko divide karenge so jayega 18 so 18 plus 1 equal to n that means 19 so 19th term that means option number c okay now next one some number Six. द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट minus one seven अब minus one seven. ओके okay? सो so, मान लीजिए यहां पर माइनस वन यहां पर seven है That means, यहाँ पर x एक्सिस के respect में आपको रिफ्लेक्शन निकालना है सो so, आपका आंसर आ जाएगा minus one minus seven. Okay. ओके one minus seven. Again option ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट वन नंबर seven. If in the triangle ABCDEF, AB by ABC, ABCDEF, okay, AB, this one by DE, and next one BC, this side by FD, this one, then will be similar, then angle, this one, angle B is equal to with angle D. Angle B is equal to with angle D, again option number C. Now next number 8. If the curved surface area of a cylinder of height, height equal to 14, curved surface area 2 pi r h equal to 88, then find the diameter. So pi r equal to 88 by 2. And as here h equal to 14, so 14. Okay, so 88 by 2, it's 44. Then it's 7 here 22. Now value of pi equal to also 22 by 7. That means r equal to 1. So diameter equal to 2. Then question number 8. Question number 8 here diameter equal to 2. So option number a. Okay. Option number a that is your answer next one question number 9 if 4x minus 2 okay 4x minus 2 right here 4x minus 2 greater than equal to 8 minus x find the solution set so 4x plus x is 5x greater than equal to 10 x greater than equal to 2 so the solution set the first one okay first one that means 2 3 4 5 so for the क्वेश्चन नंबर नाइन द सॉल्यूशन सेट इज ऑप्शन नंबर ए नाउ नेक्स्ट वन नंबर टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ़ थर्टीन प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम ऑफ़ व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड अब देखिए डाइस में मैक्सिमम नंबर कितना रहता है सिक्स अब दो डाइस है इसका मतलब सिक्स प्लस सिक्स द मैक्सिमम सम इज सो थर्टीन कभी भी नहीं आ सकता है इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी यहां पर जीरो होगा सो ऑप्शन नंबर ए नाउ नेक्स्ट वन इलेवन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू क्रॉस वन दैट ऑफ क्यू इज ऑल्सो टू क्रॉस वन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू पी माइनस क्यू इसका मतलब यहां पर आपको सबस्ट्रैक्ट करना है अब यहां पर देखिए सब और एडिशन इसमें मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है आई रिपीट सब्ट्रैक्ट और एडिशन में मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज होता है तो so, इसका मतलब जो ऑर्डर पहले था टू क्रस वन आपका ऑर्डर सेम रहेगा सो रहेगाक्स्ट नंबर ट्वेल्व द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट माइनस थ्री फोर सेवन माइनस सिक्स इन द रेशियो वन इज टू टू That means m is to n 1 is to 2. So to formula the hoga m x2 plus n x1 divided by m plus n that is for m, sorry x coordinate and m y two plus n y1 by m plus n that is for y coordinate. Okay. So m1 x2 yaper 7 hogia. then n2 and x1 minus 3. बाई थ्री सो यहाँ पर सेवन माइनस सिक्स बाई थ्री सो इट्स वन बाई थ्री ओके अब यहाँ पर हम वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे सो so, अगेन एम वाई टू मतलब माइनस सिक्स देन वाई वन फोर बाई थ्री सो माइनस सिक्स प्लस एट बाई थ्री दैट मीन टू बाई थ्री सो वन बाई थ्री टू बाई थ्री दैट मीन ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एगेन ऑप्शन नंबर सी क्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द गिवेन फिगर एबीसी ट्रॉपिजियम सच दैट ए डी एंड बी सी पैर इफ एबीसीवेंटी फाइव डिग्री बी सी डी अब यहां पर देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं अब देखिए एडी एंड बी सी पैरल दट मीनस दिस एंगल एंड दिस एंगल आर को इंटीरियर एंगल इफ एंगल ए बी सी सेवेंटी फाइव एंगल बी ए डी वन डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल का एडिशन होता है ना ए ABCD सी डी साइक्लिक क्वाड्रेट्रल इसका मतलब दोनों ऑपोजिट एंगल का एडिशन भी आपके पास 180 होगा सो एंगल बी ए डी एंड एंगल बी सी डी दोनों को मिला के आपको 180 डिग्री होगा इसका मतलब एंगल बी सी डी डिग्री होगा ओके एंगल बी सी डी ऑल्सो डिग्री चलिए नाउ नेक्स्ट वन मैं थोड़ा यार लिख लेता हूं ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट नंबर 14 द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी टी ट्वेंटी वन टी ट्वेंटी वन इसका मतलब हम उसको ए ट्वेंटी वन लिख सकते हैं and T7 A sorry A7 equal to 84. अब A21 उनका formula होता है A20D, A7 का formula होता है A6D 84. A A cancel out. 14D equal to 84. So D equal to 6. इसका मतलब option number C. Now the last one. The median of the data. पहले इसको हम ascending order में लिखेंगे. So, सबसे छोटा वाला माइनस इलेवन देन माइनस एट माइनस वन जीरो फोर फाइव नाइन ओके अब यहां से आपको मीडियन निकालना है इसका मतलब मिड वन सो जीरो सो ऑप्शन नंबर ए चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर फोर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना ओके okay? तो यहां पर पहला क्वेश्चन है अ डीलर इज इन आगरा बॉट सम गुड्स रेट ऑफ जी एस टी इज एटीन परसेंट देन दूसरा उसके साथ आपको जीएसटी भी एड करना होगा सो so, टेंड इसका आपका cost price है, और इसके साथ जीएसटी एड करने के बाद वन वन एट बिकॉज एटीन परसेंट आपको एड करना है सो हंड्रेड प्लस एटीन ओके सो मैं यहाँ पर डिरेक्ट कर रहा हूँ वन टू जीरो इंटू वन वन एट So that one equal to 14160. Okay. So option number uh, b. Now number two. The roots of the equation. We have to x minus 1 whole square minus 5 into x minus 1 minus 6 equal to 0. Now if I let x minus 1 as a square. Okay. X minus 1 as a. So a square minus 5a minus 6 equal to 0. Then by middle term factoration that one equal to 0. So if a common becomes a minus 6 if 1 common a minus 6 so a minus 6 equal to 0 and a plus 1 equal to 0. That means either a equal to 6 or a equal to minus 1. So x minus 1 equal to 6 then x equal to 7 x minus 1 equal to minus 1 then x equal to 0. So your option is a either 7 or 0. Now next number 2. If x minus 2 is a factor then x square plus 5x plus p equal to 0 when x minus 2 that means 2. For 2 so 5 into 2

सो so, यहां पर फर्स्ट टर्म फाइव है सो एट टर्म एट दैट मीन ए प्लस सेवन डी फर्स्ट टर्म फाइव सेवन सॉरी सॉरी आपको यहां पर फ्रॉम एंड निकालना है सॉरी फॉर दिस वन सो फॉर्म एंड के लिए आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा एट का फॉर्मूला होता है हम यहां पर लिखते हैं ए प्लस सेवन डी एंड के लिए हम लिखेंगे ए माइनस सेवन डी ओके और जो फर्स्ट टर्म होगा जो लास्ट टर्म मेरे पास दिया हुआ था थर्टी एट उसको यहां पर हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे सो थर्टी एट सेवन और डी कितना होगा एट माइनस फाइव दट इज थ्री सो थर्टी एट माइनस ट्वेंटी ऑप्शन नंबर सी नंबर सिक्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट जीरो कॉमा माइनस वन इन द एक्स एक्सिस इट विल बी जीरो वन दैट मीन ऑप्शन नंबर डी ओके एक्स एक्स रेस्पेक्ट में सिर्फ वाई का जो साइन वो चेंज होता है नेक्स्ट वन सेवन सिक्स हो गया अब सेवन इन द फिगर बी डी एंड सीई इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी सो यहां पर बीपी इक्वल टू फाइव पी डी इक्वल टू टेन दैट मीन बीपी बीपी बाई पी डी इक्वल टू सी सीपी बाई पीई दोनों का रेशियो सेम है ओके सो एंगी सी इक्वल टू एंगल डी पीई सो सेकेंड ऑप्शन दट मीन ऑप्शन नंबर बी एस एस सिमिलरिटी नाउ नेक्स्ट शब नंबर एट इफ हिमांशु रिसेप्ट अन ऑफ हाइट एट सेंटीमीटर And radius of base r centimeter into a cylinder. Then which of the following option is always correct? The volume of cone equal to the volume of cylinder. So option number A always correct. Now next one. Sum number nine. If minus one less than equal to three plus four x less than twenty three. So it will be minus four if you move three from left side. फोर एक्स अगेन मूव थ्री राइट साइड ट्वेंटी थ्री माइनस 3 थ्री right so be 3, 3 को आपको दोनों तरफ करना होगा माइनस वन एक्स लेस नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए नाउ नेक्स्ट नंबर टेन द प्रोबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग्ड अब फेस कार्ड का मतलब होता है जैक किंग एंड क्वीन इसमें दो ब्लैक कार्ड है इसमें भी दो इसमें भी दो तो टोटल सिक्स ब्लैक कार्ड सो सिक्स बाई फिफ्टी टू दैट मींस थ्री बाई ट्वेंटी सिक्स सो ऑप्शन नंबर बी चलिए नाउ नेक्स्ट वन इलेवन इलेवन एम एन आपको निकालना है एम दिया हुआ है वन माइनस टू और एन यहां पर है टू वन माइनस वन टू पहले यहां पर आपको ऑर्डर लिखना है यहां पर एक रो दो कलम यहाँ पर दो रो दो कलम तो so, नया जो मैट्रिक्स होगा वहां पर भी आपका एक ही रो रहेगा दो कलम रहेगा क्योंकि ये दो इक्वल होता है और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर वन क्रॉस टू होगा सो टू टू वन टू एंड देन माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस टू टू और यहां पर वन इंटू वन वन माइनस फोर सो आपका आंसर आ जाएगा फोर एंड देन माइनस थ्री फोर माइनस थ्री दैटमीन ऑप्शन नंबर सी इलेवन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ओके नाउ नेक्स्ट वन चलिए ट्वेल्व सम नंबर ट्वेल्व द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट सो माइनस वन माइनस थ्री बाई टू और फोर माइनस टू बाई टू सो माइनस टू और यहां पर वन सो माइनस टू वन दैटमीन अगेन ऑप्शन नंबर सी Now next one 13. In the given figure O is the center of the circle. Angle ABC 20 degree. Then find angle OAC. मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ. बहुत easy problem होगा. अब देखें यहाँ पर AC AC जो यहाँ पर दिया हुआ है. अब AC के ऊपर दो angle हैं. एक angle ABC जो 20 degree है और एक angle AOC. AOC is the central angle which is the double of the circumference angle. So, if ABC 20 degree, so AOC definitely 40 degree hoga. Okay? So, 20 ka double 40 degree. So, your answer is option number B. Now, next one, number 14. If the sum SN equal to 3N square minus 4N, find the first term. So, if N equal to 1, so 3 into 1 square minus 4 into 1. थ्री माइनस फोर दैट इज माइनस वन अब एस वन का मतलब होता है एक नंबर का समिशन अब एक नंबर का समिशन मतलब होता है फर्स्ट टर्म सो एस वन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट मीन योर फर्स्ट टर्म इज माइनस वन सो ऑप्शन नंबर ए नाउ द लास्ट वन द मोड अब यहां पर देखिए फाइव थ्री टू सेवन फाइव नाइन थ्री एट फाइव इसका मतलब फाइव कितना बार दिया हुआ है तीन बार मैक्सिमम नंबर ऑकर So, यहां पर पांच तीन बार आया हुआ है सो so, आपका मोड होगा फाइव ओके सो ऑप्शन नंबर बी तो यहां पर लिखिए ऑप्शन नंबर बी